हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रंजू फिटनेस। होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सब देख रहे होंगे, अरे ये बट स्पून ये सब क्या यहाँ पे ये लेके बैठ गई। तो मैं आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ अपना डाइट प्लान, जो मैं डाइट लेती हूँ। आप सब ने बहुत सारे मैसेज कॉल्स भी करते रहते हो, पूछते हो मेरे से कि आप डाइट में क्या क्या लेते हो। तो मैं अपना डाइट शेयर करने जा रही हूँ आप सबके साथ। तो आप सब बने रहिए रंजू फिटनेस यूट्यूब चैनल के साथ। हाँ, मुझे जब भी भूख लगती है और खाने के लिए मुझे कुछ भी नहीं दिखता है, तो मैं सबसे पहले अपना ब्राउन ब्रेड और पीनट बटर ढूंढती हूँ फटाफट, और मैं यही खाती हूँ नॉर्मली ज़्यादातर। तो मॉर्निंग में भी मैं लेती हूँ, दिन में भी मुझे लाइक ऑफिस से आने के बाद कुछ भी नहीं दिखता है तो मैं यही खा लेती हूँ। एक्चुअली क्या होता है, किसी किसी को इससे वेट गेन हो जाता है और किसी किसी का लाइक लूज भी करनी हो तो तब भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है ना, गेन करने वालों को मैं बता रही हूँ, बहुत लोगों ने मुझे बोला रंजू मुझे ये खाने से ना, पीनट बटर खाने से वेट गेन हो जाता है। फिर मैंने पूछा भी कि आप सबको कैसे गेन हो जाता है लाइक, तो उसने बताया कि मैं खाना भी खाती हूँ फिर पीनट बटर। तो आप सब खाना भी खाओगे, पीनट बटर भी लोगे साथ में, तो ऑफकोर्स वेट गेन ही होगा, है ना। खाना भी खा रहे हो दबा के और पीनट बटर भी ले रहे हो, ब्राउन ब्रेड भी खा रहे हो, तो ऑफकोर्स यार वेट तो गेन ही होना है ना। तो ऐसा है ना, जब आप वेट लूज कर रहे हो, वेट लूज करने वाले के लिए भी बहुत फायदेमंद है और गेन करने के लिए भी। लाइक वेट लूज कर रहे हो तो जैसे कि आप सैलेड वगैरह लो या फ्रूट्स लो और पीनट बटर ब्राउन ब्रेड लो, ओट्स लो, दलिया से भी वेट गेन भी होता है और लूज भी होता है। तो ध्यान में रखना है कि कितना क्वांटिटी में आप ले रहे हो ना। घर का खाना भी खा रहे हो लाइक राइस एंड चपातीज वगैरह वगैरह, फिर वो भी ले रहे हो तो एक्स्ट्रा भी होगा ना कि लूज होगा, है ना। मैं राइस और चपाती तो बहुत ही कम लेती हूँ, बहुत ही कम। सम टाइम्स या तो मैं कहीं जा रही हूँ आउट ऑफ स्टेशन लाइक वहाँ पे है नहीं ऑप्शंस, तभी मैं ऐसे राइस और चपाती खाती हूँ, वरना मैं यही सब खाती हूँ, फ्रूट्स ब्राउन ब्रेड। उसको दूध में डाल के भी मैं दिखाऊंगी एक दिन मैं कैसे लेती हूँ, उसमें नट्स पाउडर डाल के एंड उसको ठंडा करने के बाद फिर मैं बनाना डालती हूँ, फिर बहुत ही यम्मी हो जाता है उसका टेस्ट। तो वो भी मैं आप सबसे शेयर करूँगी, बट अभी नहीं, बाद में। अभी तो मैं फ़िलहाल ये दिखाऊँगी। और जिनको गेन करना है उन्होंने भी लाइक जो पतले होते हैं उन्होंने भी बहुत सारे मैसेज किए कि आप प्लीज़ वेट गेन करने के लिए दिखा दो। तो मैं आप सबके लिए बोलूँगी, जिनका वेट गेन नहीं हो रहा है तो आप सब तो खाना खाओ, जितना खाना खाया जा रहा है ना उतना खा लो, लाइक ओवर भी नहीं खाना है। बट आप दिन में ना 4 बनाना खाओ, ठीक है। बनाने के साथ आप तो लेना ही लेना है, सुबह तो आप ले ही सकते हो ना, जब ऑफिस में हो जब तो तब तो पॉसिबल नहीं है, ऑफिस में पॉसिबल नहीं है, बट घर पे हो मॉर्निंग में एक बनाना और एक गिलास दूध में नट्स पाउडर, इतना सारा पाउडर डाल दो आप डेली, 1.5 टेबल स्पून आप नट्स पाउडर डाल दो, है ना। और वो लो, उसके साथ एक बनाना लो, उसके बाद हैवी ब्रेकफास्ट करो, लंच करो, डिनर भी करो, और 4 बनाना लेना ही लेना है। फिर रात में आपने नट्स पाउडर डाल के दूध में फिर पीनट बटर एंड ब्राउन ब्रेड, चिकन भी खाओ, एग भी खाओ। जैसे कि जो नॉन वेज नहीं खाते हैं तो वेज में बहुत सारे प्रोटीन के लिए आते हैं, लाइक वेजिटेरियन के लिए प्लांट्स वाले प्रोटीन्स भी आते हैं। और वैसे आप फ्रूट्स में मैं ज़्यादा बाहर का प्रोटीन एडवाइस नहीं करूँगी, घर में जैसे कि ड्राई फ्रूट्स ले लो आप, सब फ्रूट्स ले लो, खाना ले लो, दूध ले लो, है ना। लाइक मील में जो राइस चपाती है वो सब्जी वगैरह खाओ, दाल पियो, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ दाल होती है ना, उसमें कई दालें होती है जिसमें बहुत हाई प्रोटीन होती है, कहीं लो प्रोटीन होती है, तो वो दाल सब खाओ जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होती है, और वो न्यूट्री भी खाओ, है ना, वो सबसे वेट गेन होता है। और मेनली बनाना और मिल्क तो लेना ही लेना है, मिक्स करके लो चाहे अलग से लो, लेकिन मैं आप सबको एडवाइस करूँगी कि बनाना दूध में मिक्स करके लो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो अब मैं बताने जा रही हूँ आप सबको अपना रेसिपी, न्यू यूनिक सा रेसिपी जो मैं लेती हूँ और बहुत ही यम्मी होती है और बहुत ही टेस्टी होती है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। ओके, तो यहाँ पे ना हल्की सी ब्लैकिश टाइप आ रही है ना, जा रही है साइड से ना, इट्स ओके।
तो आप सबने सोचा होगा मैंने यूं ही नॉर्मल ब्रेड तो नहीं, ये ब्राउन ब्रेड है, इसलिए मैंने पैकेट भी सामने रखा था ताकि आप सबको पता चल जाए कि मैंने ब्राउन ब्रेड ही लिया है। और मैं क्या करूँगी इसमें, सबसे पहले मैं, किसी किसी को ना ये पसंद नहीं आती है ना, आपने देखा होगा ये जो लाइक बोल रही हूँ साइड में ये जो इसकी लाइनें होती है ना मोटी सी, ये नहीं पसंद आती है, तो इसको आप ना हटा भी सकते हो नाइफ से कट करके, बट मैं नहीं हटाती हूँ, इतना टाइम नहीं होता है और मैं खा लेती हूँ इसको भी, क्योंकि ये भी इसी का पार्ट होता है। हाँ, भले ही थोड़ा सा हार्ड होती है, इतनी भी नहीं, देखो ना सॉफ्ट है, मैंने कल ही लिया था। जब आप लेते हो ना ब्राउन ब्रेड, आपने देखा होगा, तो ये बहुत ही सॉफ्ट होती है, फिर रखोगे फ्रिज में एक दो दिन तक तो वैसे ही हार्ड हो जाती है। तो इट्स ओके, ये टेढ़ी है क्योंकि मैंने फटाफट में निकाला था और ऐसे रख दिया था, इसीलिए टेढ़ा हो गया है। तो अब मैं इस पे लगाऊंगी पीनट बटर, जो कि खाली होने वाला है, आप सब देख सकते हो, बट है इसमें, और मैं इसी स्पून से पीनट बटर लगा रही हूँ। आप सब नाइफ से भी लगा सकते हो, जैसे मर्जी लगा सकते हो, इसमें कोई रूल फॉर्मूला नहीं है कि आप नाइफ से ही लगाओ एंड बटर वाली नाइफ आती है उसी से लगाओ, है ना। तो मैं लगा रही हूँ, आपको आप बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट पे हो तो आप उसी अकॉर्डिंग लेना, अच्छे से मतलब ठीक करके लगाना है, ठीक है। स्ट्रिक्ट डाइट मीन्स आप फ्रूट्स ले रहे हो, दाल सब्जी ले रहे हो और चपाती राइस नहीं ले रहे हो, तो आप अच्छे से लगाओ, क्योंकि और आपके डाइट में शुगर कहीं भी नहीं है, तो आपने अच्छे से लगाना है मोटी करके इस पे बटर, पीनट बटर, ठीक है। क्योंकि आपको आपके मील में कहीं से भी शुगर नहीं है और शुगर आप अंदर बॉडी के अंदर नहीं, खा नहीं रहे हो, तो आपको ये पीनट बटर थोड़ा सा ज़्यादा लेना होगा, क्योंकि इसमें शुगर तो नहीं होता है बट ब्राउन शुगर होता है, तो उससे हमारी क्या होगी, बॉडी में शुगर लेवल मेंटेन करने में हेल्प करेगी ये, ठीक है। तो मैं अच्छे से लगाती हूँ, अभी कम लगाऊंगी बिकॉज मैं दिन में दो बार खा चुकी हूँ, ठीक है। तो मैंने उसी अकॉर्डिंग लगाया है, थोड़ा सा ज़्यादा भी नहीं थोड़ा भी नहीं बट मीडियम लगाया है, आप सब देख सकते हो, ये देखो इतना लगा लिया मैंने। अब मैं बनाना इसके ऊपर डाल दूंगी, ये बनाना गल रहा था यार, बनाना का समझ नहीं आ रहा यार, ये लो खरीद के लाओ रखो नेक्स्ट डे गलना स्टार्ट हो जाता है, तो इट्स ओके, ये सबके साथ होता होगा। इसको मैं पूरा निकाल ही देती हूँ ना। अब मैं नाइफ लाती हूँ, वेट, अब क्या है ना, कोई कोई ना ऐसे खाते हैं लाइक यूं इसको पीसेस में कट करते हैं, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे पीसेस में, रोल पीसेस में कट करते हैं ना, फिर इसको ऐसे डाल देते हैं इसके ऊपर, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग फेसबुक पे वीडियोज और इंस्टाग्राम पे, है ना। तो मैं क्या करती हूँ, मैं न्यू, ये देखो ये बनाना है ना, आप सबको दिख रहा है ना, ये देखो, अरे रे, इसको मैं कर दूंगी ऐसे लाइक मैश कर दूंगी अच्छे से, बहुत ही इजीली मैश हो गया, और ये फॉगी वाली स्पून से हो गई, ये देखो। इसको एक तो ऐसे कर सकते हो आप, रोल पीसेस में कट करके इसके ऊपर चिपका दो, ठीक है, एक तो इसको पेस्ट बना दो छोटे छोटे, मुझे, मैं पेस्ट करके बनाती हूँ, मुझे बहुत ही टेस्टी लगता है, यम्मी लगता है, क्योंकि इसको देखो, मैं इसको इसके ऊपर डाल के मैं दिखाती हूँ क्यों मुझे टेस्टी लगता है हर एक, उसमें एक मिनट, इसके ऊपर इसी आप स्पून से, इसी वाली स्पून से मैंने डाल दिया, ठीक है, बहुत ही यम्मी लगता है ऐसे वाले, देखो आप, देखो दोनों में डिफरेंस देखो आप सब, है ना, डिफरेंस लग रहा है ना, पता डिफरेंस का, देखो ये वाली पीसेस रोल वाली पीसेस हो गया, ये अलग अलग, थोड़ा सा गैप तो रह ही जाता है, बट आप ये वाली देखोगे ना जिसमें मैंने पेस्ट बना के रखा है इसके ऊपर डाला है, वो कितना चिपचिपका हुआ है, मतलब पूरा सेटल डाउन हो गया है इसका, है ना, इसके ऊपर सेटल डाउन हो गया है। और इसके ऊपर जब आप ये डाल देते हो,
तो आपको हर पीसेस में ना सेम, मैं इसको ऐसे ही मैश करके फिर, मतलब यानी कि पेस्ट करके फिर मैं डालती हूँ। अब मैं जब खाऊंगी तो मेरे को हर बाइट में प्रॉपर टेस्ट आएगी, तो इसलिए मैंने ऐसे किया। और मुझे लगता है मैं ही सिरप करती हूँ ऐसे, तो मैंने अपना न्यू स्टाइल बताया। न्यू क्या मतलब, मैं जैसे ये ब्राउन ब्रेड वैसे मैंने बताया, तो आप सबको जैसे अच्छा लगेगा रोल पीसेस में, किसी को अच्छा लगेगा तो वैसे भी ले सकते हो। इसमें ये नहीं है कि मैंने पेस्ट बना दिया तो उसमें मेरे को ज़्यादा प्रोटीन मिल जाएगी, और रोल वाले में ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मैं अपना टेस्ट के लिए, मुझे हर एक बाइट में प्रॉपर टेस्ट आना चाहिए बनाना की और पीनट बटर, यू नो। तो आप सब फ्राई कर सकते हो, या तो रोल वाला या तो पेस्ट वाला, ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। कई लोग मुझे ये देख के ना हंसते भी थे। पहले मैं ऑफिस में ये जब खाती थी तो मेरे ऊपर बहुत लोग हंसते थे, अरे रंजू ये तुम क्या खा रही हो। ओ बट मैंने जब ट्राई कराया था, ओ इट्स वेरी यम्मी। हाँ, तो आप सब भी ट्राई कर सकते हो। ओके गाइज, और आप सबको एक और बात बता देती हूँ, इसको ज़्यादा टाइम आप ऐसे इसके मतलब बनाना डाल के रख नहीं सकते। वैसे भी पीनट बटर लगा के आप रख सकते हो, लाइक ऑफिस में जब मैं लेके जाती हूँ तो ओनली, आप सोच रहे होंगे कि मैं बनाना डाल के, बिल्कुल भी नहीं। बनाना डालने के बाद तो एक मिनट भी मत रखो, उसके साथ साथ खा लो। तो मैं पीनट बटर और ब्राउन ब्रेड के ऊपर पीनट बटर लगा के फिर फोल्ड करके रैप पेपर में, उसके बाद मैं लेके जाती हूँ ऑफिस। बनाना अलग से लेके मतलब बनाना अलग से लेके जाती हूँ। उसके बाद वहीं पे मैं क्या करती हूँ, स्पून से ना किसी भी टिफ़न के कवर निकाला, उसके ऊपर बनाना रख के फिर मैश करके उसके ऊपर डाल देती हूँ, फिर मैं वही खाती हूँ। ऐसा नहीं है कि आप उसको बनाना भी डाल के एंड रैप करके लेके जा रहे हो। ये देखो ब्लैकिश, ये देखो ब्लैक कलर, इसमें कलर भी ये टूट गया यहाँ से, कोई बात नहीं, मैंने जोर जोर से इसके ऊपर नट पीनट लगाया था। ये देखो निकलने लग गया, मेल्ट होने लग गया, तो ऑब्वियसली इसको मैंने इससे छोटे छोटे लाइक पेस्ट में कर दिया था, तो इसीलिए ऐसा हो रहा है। और मुझे लगता है मेरी ब्लॉग जो है बहुत लंबी बनने वाली है, वैसे बहुत लंबी बनी है और लंबी बन जाएगी, इसीलिए मैं अपनी ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। और तब तक के लिए आप सब देखते रहिए रंजू फिटनेस यूट्यूब चैनल, एंड दिल से थैंक यू सो मच आप सबको इतना सपोर्ट करने के लिए। और मैं आप सबको बता दे रही हूँ कि मैं बहुत दिन तक बीच में गायब थी, आप सब ने ढेर सारा मैसेज किया, कमेंट्स किया, पूछा आप कहाँ हो, और सॉरी, आई एम सो सॉरी कि मैंने बिना बताए आप सबको, मैंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था, ना इंस्टा पे, ना फेसबुक पे, ना यूट्यूब पे, कि मैं कहीं जा रही हूँ। मुझे अर्जेंट जाना पड़ा था, और वहाँ जाने के बाद वो ढेर सारा काम था वो करने लग गई, मैं बिजी हो गई थी। मैं डेली सोचती थी कि ब्लॉग बना लूँ, बट नहीं हो पा रहा था वहाँ पे, टाइमिंग का कुछ वो था, लाइक ऑफिस जाना पड़ रहा था एंड काम था, तो नहीं कर पा रही थी वहाँ पे। फिर उसको एडिटिंग भी करना पड़ता है ना, और उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो इसलिए मैं नहीं कर पा रही थी, उसके लिए सॉरी। सो मैंने ऐसे ही बंद कर दिया था ब्लॉगिंग करना। तो गाइस सो सॉरी यार, आप सबने बहुत सारे मैसेज किया इंस्टाग्राम पे, और थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू सो मच, आप सबने पूछा, कॉल किया, मुझे अच्छा लगा कि मैं ऑफ हो जाती हूँ तो कोई तो है पूछने वाला मेरे को, थैंक यू सो मच। और आप सब ये रेसिपी, सिंपल सी रेसिपी, आप सब प्लीज़ ट्राई करो, आई होप आप सब ट्राई करोगे, और बहुत ही लंबी ब्लॉग बन जाएगी, इसीलिए मैं अपनी ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब गाइस, आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो। देखने के बाद लाइक करना ना भूलना प्लीज़, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ इसलिए, तो प्लीज़ लाइक कर देना, लाइक तो बनता है ना, तो लाइक कर देना, और अच्छी लगेगी वीडियो तो प्लीज़ आप ये तो बोल सकते हो ना, गुड कुछ भी लिख दिया करो आप, इतने सारे वर्ड्स होते हैं छोटे छोटे। वैसे तो लड़कियों के लाइक वैसे वाली वीडियोस में आप सब बहुत सारे कमेंट्स करते हो, ऑसम, हॉट, सेक्सी, यू नो, एंड मेरी वीडियोस में बहुत कम आप सब कमेंट्स करते हो, तो कमेंट भी कर दिया करो वीडियोज देखने के बाद। ओके ओके, बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी, अपना ख्याल रखिए और दूसरे का भी ख्याल रखिए, बाय बाय। हाँ यस यस यस, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, और मिलते हैं आप जिम में।
बहुत दिन से एक्सरसाइज नहीं दिखा होगा रंजू की एक्सरसाइज जिम के अंदर, जिम के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। बहुत लंबी वीडियो बन गई है।